क्विज यू व्लॉग्स। आई होप यू ऑल गाइस आर गुड एंड फाइन। तो उम्मीद करता हूँ सारे खुश होंगे, सबके रोजे अच्छे चल रहे होंगे। अब तो वैसे ही आई थिंक डेट अफ्तार आ गया है रोजे फिनिश होने में। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर आप वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखें। तो बाकी जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। काफी व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब तो नहीं किया लेकिन वो वीडियोस देखते हैं, तो इंतजार किस चीज का भाई, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है किसी भी चीज के रिलेटेड, तो मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया होता है डिस्क्रिप्शन में, इवन के टिकटॉक का भी दिया होता है। तो मेक श्योर आप तीनों जगह मुझे फॉलो करें, और अगर आपका कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे मैसेज करके आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो की तरफ आए तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं टॉप 5 कोर्सेज बताऊंगा, ट्रेड कोर्सेज जो बेस्ट है ऑस्ट्रेलिया में 2024 के लिहाज से। अब अगर मैं पहले नंबर पर बात करूं, ट्रेड कोर्सेज कहते किस चीज को है, आपने सुना तो होगा काफी लोगों से जो आपके जानने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में, या कोई भी आपका दोस्त है कि अगर वो बोलता है कि मैं ट्रेड कोर्स कर रहा हूँ या ट्रेड स्टडी कर रहा हूँ तो उसका क्या मतलब होता है। उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे अगर कोई भी आपका हाथ वाला स्किल है, जिस तरह आप ऑटो मैकेनिक है या जिस तरह कारपेंट्री है या जिस तरह कंस्ट्रक्शन है, ये हाथ के स्किल्स हैं, तो इन कोर्सेज को हम ट्रेड कोर्स कहते हैं। जिसका पाकिस्तान में आप जिस तरह अगर कोई कंस्ट्रक्शन करता है तो वो सर्टिफिकेट नहीं करता कोई भी कंस्ट्रक्शन में, अगर कोई कारपेंट्री करता है पाकिस्तान में तो उसको वहां से कोई सर्टिफिकेट नहीं करना पड़ता, वो ऐसे ही बस स्टार्ट कर देता है एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद, ना उसके पास कोई डिग्री वगैरह नहीं होती उस चीज की। तो यहाँ पे हम ट्रेड कोर्सेज के सर्टिफिकेट होते हैं और डिप्लोमाज होते हैं, तो करने के बाद आपको उस फील्ड में काम करना पड़ता है। तो ये पीआर के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज होते हैं। यहाँ पे ये है कि ट्रेड कोर्स करने के बाद आपको उस फील्ड में काम भी करना पड़ता है, वरना अगर आप ऐसे ट्रेड कोर्स कर लेते हैं स्टडी करके तो उसके बाद उस फील्ड में काम नहीं करते तो फिर तो बिल्कुल फायदा नहीं है फिर करूंगा। बहरहाल वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कोर्सेज में हमें आपको 5 कोर्सेज बताने हैं। आपको ट्रेड कोर्स का पता तो लग गया, ट्रेड कोर्स कहते किसे हैं। तो अगर मैं पहले नंबर पे बात करूं तो पहले नंबर पे आता है कंस्ट्रक्शन के डिप्लोमा या कंस्ट्रक्शन के सर्टिफिकेट्स। लाइक उसमें अब डिफरेंट ट्रेड कोर्सेज हैं, जिस तरह ब्रिक लेयरिंग है और जिस तरह कारपेंट्री है। अब घर यहाँ पे सारे बनते हैं लकड़ी के, तो उनमें कारपेंट्री वाले का काम होता है, तो वो भी एक अच्छा कोर्स है। ये सारे कंस्ट्रक्शन के कोर्सेज में आ जाते हैं। तो पहले नंबर पे तो हो गया कंस्ट्रक्शन का ट्रेड कोर्स। अब अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो फीस इसकी तकरीबन 8,000 से 10,000 तक ही हो सकती है पर सेमेस्टर, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छे से अच्छा कॉलेज होगा तब भी 8 के 10 के अंदर ही फॉल करेगी, इससे ज्यादा पर सेमेस्टर नहीं होगी। और स्टडी बर्डन भी कम होता है, सिर्फ असेसमेंट्स होती हैं वो आपने टाइम में सबमिट करानी होती हैं। और जिस तरह यूनिवर्सिटी में आपको 5 दिन या 4 दिन जाना पड़ता है फुल टाइम, इस तरह कॉलेज में नहीं होता। कॉलेज सिर्फ 2 दिन होता है या मैक्सिमम 3 दिन होता है, तो 1 दिन वर्कशॉप होती है और 1 दिन फिजिकल क्लास होती है। तो स्टडी बहुत इजी है लाइक ट्रेड कोर्स की, लेकिन इसका मसला एक यही है कि आप लड़के उस फील्ड में बाद में काम नहीं करते, जिस वजह से इन ट्रेड कोर्सेज का कोई फायदा नहीं अगर आपने काम नहीं करना। तो अगर काम करना है फिर तो बहुत ही स्कोप है। तो अब मैं सेकंड नंबर पर बात करूं तो सेकंड नंबर पर बात करूंगा ऑटो मैकेनिक की। अब ऑटो मैकेनिक भी बहुत अच्छा ट्रेड कोर्सेज है। इसमें अब दो तरह के हैं, एक आता है लाइट व्हीकल, एक आता है हैवी व्हीकल। अब लाइट व्हीकल है जो स्मॉल गाड़ियां वगैरह का सर्विसिंग वगैरह, उनकी रिपेयरिंग वगैरह होती है, और हैवी वाले में ट्रक वगैरह का आ जाता है। तो दोनों के लिए डिफरेंट कोर्सेज हैं और डिफरेंट सिनेरियो हैं। और इसमें एक और चीज है, इसमें एक इलेक्ट्रिक ऑटो मैकेनिक का कोर्स भी होता है, वो जो ऑटो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उन्होंने वो कोर्स किया होता है, तो उसका भी अच्छा स्कोप है। तो अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो इसकी फीस तकरीबन 6,000 से 8,000 के दरमियान होगी, अच्छे से अच्छे कॉलेज की पर सेमेस्टर की, तो जो कि मैनेजेबल है, फीस इजीली मैनेजेबल है, इतनी फीस तो मैनेजेबल है। लेकिन यूनिवर्सिटियों की तरह 4-4 दिन 5-5 दिन क्लासेस भी नहीं है, तो आप काम भी कर सकते हो। लेकिन अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे फिर ही वीजा के चांसेस ज्यादा है लेवल 1 के कॉलेज में, क्योंकि वैसे तो यूनिवर्सिटीज के ही आजकल वो प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से मिलकर उससे बात कर सकते हैं इन कोर्सेज के रिलेटेड। असल में मैं थर्ड नंबर पे आऊँ तो थर्ड नंबर पे बात करूंगा कम्युनिटी सर्विसेज की। अब कम्युनिटी
सर्विसेज क्या होता है, यहाँ पे ओल्ड एज होम बने हैं काफी ज्यादा, ओल्ड एज होम यहाँ पे खत्म हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे इनका शुरू से ही ये सिस्टम चलता आ रहा है ओल्ड एज होम वाला। तो आप कम्युनिटी सर्विसेज में ओल्ड एज होम में जॉब करते हैं, अच्छी जॉब है, लेकिन इसमें यह है कि आपने इनके जितने भी बूढ़े ओल्ड एज होम में होते हैं उनको उनकी केयर करनी होती है, उनको संभालना होता है। जॉब तो अच्छी है लेकिन इस कोर्स की थोड़ी सारी फीस ज़्यादा है दूसरे कोर्सेज के निस्बत। तो इसके सिडनी में आई थिंक सिर्फ एक या दो ही कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से वेरीफाइड कॉलेज हैं फॉर कम्युनिटी सर्विसेज। तो ये मेक श्योर करना है आप उस कॉलेज में एडमिशन ना करवाएं जो जो सा कॉलेज वेरीफाइड ना हो। तो अगर इसकी मैं फीस की बात करूं तो इसकी तकरीबन पर सेमेस्टर फीस 9,000 से 10,000, मैक्सिमम 11,000 पर सेमेस्टर। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है फॉर स्टूडेंट्स जो आते साल ही पीआर की तरफ फोकस करना चाहते हैं उनके लिए। अब अगर मैं फोर्थ नंबर पर बात करूं तो फोर्थ नंबर पर मैं बात करूंगा कुकरी की। अब कुकरी पिछले कई सालों से काफी फेमस कोर्स चल रहा है लेकिन अब उतनी सीट्स नहीं है पीआर के रिलेटेड कुकरी में जितनी पहले थी, लेकिन स्टिल अच्छा कोर्स है। अगर आपको शौक है शेफ वगैरह या रेस्टोरेंट वगैरह में काम करने का, किचन के अंदर काम करने का आपको शौक है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसकी भी फीस तकरीबन उतनी है, तकरीबन 7,000 से 8,000 डिपेंडिंग ऑन कॉलेज, कितना अच्छा कॉलेज होता है। 6 मंथ की तकरीबन इसी के अंदर 6 से 7 से 8 हज़ार के अंदर फॉल करेगी। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है फॉर स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर मैं लास्ट पे बात करूँ तो लास्ट पे आता है पेंटिंग एंड डेकोरेशन। ये भी एक अच्छा कोर्स है क्योंकि जब घर बन जाते हैं तो आपने उसको पेंट भी करना होता है और डिकोर भी करना होता है, क्योंकि यहाँ पे हाउसेस के क्राइसिस चल रहे हैं काफी देर से, आहिस्ता आहिस्ता ये हाउसेस बिल्ड कर रहे हैं, तो इस कोर्स का स्कोप कभी कम नहीं हो सकता। अब वैसे तो कोर्स काफी ज्यादा है, ये कोर्स आपको 6,000 से 7,000 पर सेमेस्टर मिल जाएगा, डिपेंडिंग अगेन डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज के कॉलेज लेवल वन का है या कितना अच्छा कॉलेज है। तो वैसे तो कोर्सेज काफी ज्यादा हैं, जिस तरह प्लम्बिंग है, कारपेंट्री है या ऑटो मैकेनिक है, इस तरह बहुत ज्यादा कोर्सेज हैं। तो मेक श्योर आप वही कोर्स आप आते सार यहाँ पे कंसल्टेंट से मशवरा करें, कंसल्टेंट से मशवरा करके किसी अच्छे कंसल्टेंट से आप उसी के साथ पीआर पाथवे तक चलें। वही आपको शर्त यह है कि अच्छा कंसल्टेंट हो। यहाँ पे दो बहुत बड़े फेमस कंसल्टेंट्स हैं, तो मेक श्योर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू ही पीआर का सारा प्रोसीजर करें। आप अगर शुरू से ही किसी एक कंसल्टेंट के थ्रू चलते रहेंगे राइट ट्रैक पे तो आपकी पीआर बहुत जल्दी हो जाएगी और इजी हो जाएगी, अगर आप अपनी फील्ड में काम भी करेंगे तो। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, थैंक यू।